हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th मैथ्स कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंसिबिलिटी का नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन इज डिफरेंशिएट sec स्क्वायर x स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x स्क्वायर। जनरली आपको जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x पूछा जाता है, बट यहाँ पे x स्क्वायर टर्म आया हुआ है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस सारे मेथड सेम है, बस यहाँ पे एक्स के जगह पे आपको एक्स स्क्वायर से डिफरेंशिएट करना होगा। इसे हम डायरेक्ट एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं, या फिर हम एक्स स्क्वायर को किसी अनदर टर्म को लेट कर सकते हैं। हम सॉल्व करके देखते हैं। इस गिवन फंक्शन को हम लेट कर लेते हैं वाई इक्वल्स टू सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में हमें इसे डिफरेंशिएट करना है। हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं लेट एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू टी, बिकॉज कि एक्स स्क्वायर से आप डायरेक्ट करें तो हो सकता है कंफ्यूजन हो, क्वेश्चन गलत भी हो सकता है, इसलिए हम इसे एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू हम टी लेट कर लेते हैं। अब इसे हम टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे एंड क्वेश्चन सॉल्व होने के बाद टी की वैल्यू हम एक्स स्क्वायर क्वेश्चन में पुट कर देंगे। देन यहाँ पे एक्स स्क्वायर की जगह पे भी हम टी पुट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा वाई इक्वल्स टू सेक स्क्वायर टी। अब इस इक्वेशन को हम टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। आपको पता है इसे हम टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट इसलिए कर रहे हैं बिकॉज कि हम एक्स स्क्वायर को टी के इक्वल लेट किए हैं, तो टी के रिस्पेक्ट में हम इसे डिफरेंशिएट करते हैं, तो ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी टी इक्वल्स टू। अब sec स्क्वायर t है तो यहाँ पे हम x पावर n का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। ये फॉर्मूला होता है n x टू द पावर n माइनस 1। तो यहाँ पे अगर हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं x पावर n का, तो ये 2 होगा एंड हो जाएगा sec पावर 2 माइनस 1, दैट इज 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा sec t। एंड चेन रूल के अकॉर्डिंग sec t को अगेन डिफरेंशिएट करेंगे, तो इसे हम राइट कर लेते हैं d अपॉन डी एक्स ऑफ sec t। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब नेक्स्ट इसे 2 sec t, अब sec t को हम सॉरी यहाँ पे t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो यहाँ पे हम d अपॉन डी टी राइट करेंगे। बाय मिस्टेक मैंने x राइट कर दिया था। अभी sec t को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, तो ये हो जाएगा sec t को डिफरेंशिएट होता है sec t इंटू tan t, तो ये हो जाएगा sec t इंटू tan t। अब आप देख रहे हैं sec t इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर t इंटू tan t। यहाँ पे हमने dy अपॉन dt की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। t की वैल्यू हम इस इक्वेशन से हम पुट कर लेते हैं, पुटिंग t इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर जो हमने लेट किया हुआ था। अब t की वैल्यू एक्स स्क्वायर पुट कर देंगे, वही हमारा आंसर होगा। ये क्वेश्चन कम्प्लीटली सॉल्व हो चुका है, बट t को हमने लेट किया है, इसलिए यहाँ से t को हमें आंसर से रिमूव करना है, इसलिए हमें t इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर पुट करना होगा। तो जब d की वैल्यू हम एक्स स्क्वायर पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू टू sec स्क्वायर, t की वैल्यू है एक्स स्क्वायर इंटू tan, अगेन t की वैल्यू है एक्स स्क्वायर, तो ये होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। डी वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू टू sec स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू tan एक्स स्क्वायर। इसमें कुछ भी कंफ्यूजन नहीं है। जब भी आप y इक्वल्स टू कोई फंक्शन गिवन होता है, अगर आप इसे x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, तो dy अपॉन dx आता है। सेम इसे आप x स्क्वायर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये आएगा dy अपॉन dx स्क्वायर, वही टर्म यहाँ पे आया हुआ है। तो इसमें कुछ भी कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, सारे मेथड सेम थे। जैसे आप x के रिस्पेक्ट में सॉल्व करते हैं, सेम वैसे ही एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में सॉल्व हुआ। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा।